हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट जनरल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आप ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये होची जीएस क्लास नंबर 15, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। एई वीडियो टी आपनकर समस्त अपकमिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट बा, आपनकर एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका ओएसएपी आईआरबी एंड आपनकर ओएसएससी सीजीएल मेन एग्जाम पे मते इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रहिछि आपन मानक पई, व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयन्स एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। से कहते जे वायुमंडल कौ स्तर आपर आयन अच्छी जी कि आपर वायरलेस कम्युनिकेशन को आपर साहय कर। तो देखु आमर एटमॉस्फेरिक लेयर कौ लेयर रे आमर आयन अच्छी, आयन आपथे आपर थर्मोस्फीयर आयन अच्छी, आयनोस्फीयर भी कहते जहाद्वारा आपर वायरलेस कम्युनिकेशन आपर। तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटिंग राइट्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल वाज। से कहते आम वर्ल्डर विश्वर प्रथम देश किए जे कि समस्त ग्रुप्र लोक मानू महिला किंवा पुरुष सीनियर सिटीजन समस्त को वोटिंग अधिकार दे प्रथम कंट्री किए, समस्त को समस्त ग्रुप्र पीपल लोक मानू वोटिंग अधिकार देश हूँ किए, वर्ल्डर प्रथम देश हूँ न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इज द लार्जेस्ट यूरानियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। से कहते विश्वर सबुठारु अधिक मात्रा रे यूरानियम प्रोड्यूसिंग करथुबा देश कौ केउटी, केउ देश विश्वर सर्वप्रथम प्रथम बा अग्रणी देश जे कि आमर यूरानियम उत्पादन रे, यूरानियम उत्पादन रे प्रथम देश हो वर्ल्डर सब अधिक कौटी ना कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ब्रॉट बैक द इमेज ऑफ कलिंगा जीना दैट हैड बीन केप्ट हैड बीन टेकन अवे बाय महापद्मनंद। से कहते किए आम राज्य को कलिंग जीना को फेरे आने जोटा को महापद्मनंद से आमर कलिंग को परास्त करके नहीं जाते। तो कलिंग रु आम महापद्मनंद नहीं जाते कलिंगा जीना मूर्ति को, तो सीटा को फेरे किए फेरे वापस लेकिन किए खारावल वापस करी नहीं जाते। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, खारावल राजा खारावल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, कृष्णा देवराय वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ। से कहते कृष्णा देवराय कहार समसामयिक थिले, कौ राजा शासन समय कृष्णा देवराय थिले। कृष्णा देवराय विजयनगर किंगडम रे राजा थिले, तो से समय रे समसामयिक थिले किए ना बाबर। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर, बाबर। बाबर जो समय रे शासन करथुले से समय रे कृष्णा देवराय मध्ये जने शासक थिले। तो ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। से कहते आगरा सहर संस्थापक किए, फाउंडर किए आगरा रो फाउंडर किए, से होती आप किए सी होती सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। से कहते दिल्लीर कौ सुल्तान को अलेक्जेंडर द ग्रेट बोली टाइटल दि जाएगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट टाइटल पाई किए ना सी होती अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। से कहते स्लेव डायनेस्टी फाउंडर किए, दासवंशर संस्थापक किए, स्लेव डायनेस्टी फाउंडर होती किए ना से होती कुतुबुद्दीन आईबाक, किए कुतुबुद्दीन आईबाक। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। से कहते वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन सहित कौ आर्टिकलटा रिलेटेड अटे, मानने आमर
ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି? ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ଟିକେଲ ନମ୍ବର 66, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆର୍ଟିକେଲ ନମ୍ବର 66ରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍? ସେ କହୁଛି ହୀରାକୁଦ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ? ତ ଆମର ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମର 1947ରୁ 1957 ଭିତରେ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କେବେଠୁ କେବେ? ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ 1951ରୁ 1956 ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଲେୟର୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍? ସେ କହୁଛି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ ବା ଆୟନ ମଣ୍ଡଳ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି? ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି? ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ ଅଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର୍, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର୍। ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର୍ ହେଉଛି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର୍, ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଖାରବେଳ? ସେ କହୁଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ? ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ନା ତୋଷଳୀ ନା ଉତ୍କଳ ନା କୋଶଳ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ମନେ ରଖିବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ ହେବ? କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ବା ନଗର କହିପାରିବ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ? ସେ କହୁଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନବାଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କେବେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ 10th December। 10 December ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ, 10 December ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ RHT ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ସ ଆମର ଷ୍ଟେଟିକ୍ GK ଆସିଥିଲା, GS ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଉପରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବି ଆସି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ 10 December ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସେ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ, ଫାଉଣ୍ଡର ମାନେ ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଖାରବେଳ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଖାରବେଳ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଅଟନ୍ତି? ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଅଟନ୍ତି? ଗଙ୍ଗ ନା ଚେଦି ନା ସୋମ ନା ଗଜପତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ଆମର ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଅଛି, ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି କେଉଁ ବଂଶର ନା ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଖାରବେଳ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? ସେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାରବେଳ ଜଣେ ଜୈନିଜୀବୀ ବା ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜା ଥିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସେ କହୁଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପଟେଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି, ପାଟିଲ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? PATIL ହେବ, ପଟେଲ ନୁହଁ ପାଟିଲ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଚାରିବ ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ, ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ହେବ, ତ
तो मन रखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री होती सुचेता कृपालिनी आ प्रथम महिला प्रधानमंत्री होती किए इंदिरा गांधी आ प्रथम महिला राष्ट्रपति होती प्रतिभा सिंह पाटिल नॉट पटेल यहाँ पटेल देखिए पटेल हेनी पाटिल मन रखिए पाटिल हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन या मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज द वर्ल्ड सेंचुरी लोकेटेड इन ओडिशा से कहे ओडिशा रो को जगार पक्षी अभयारण्य अच्छी ओडिशा रो को जगार पक्षी अभयारण्य रही नंदनकानन टेकरपड़ा चिलिका ना भितरकनिका तो पक्षी अभयारण्य कौटी अच्छी ओडिशा रो चिलिकार अच्छी चिलिका भितर आप रही नलबन एन ए एल ए बी ए एन नलबन बार्ड सेंचुरी बा नलबण पक्षी अभयारण्य अच्छी यहाँ चिलिका भितर अच्छी तो आम कौटी आम पक्षी अभयारण्य अच्छी चिलिकार अच्छी आई पक्षी अभयारण्य ना कौन पचार नलबण बार्ड सेंचुरी नलबन बार्ड सेंचुरी मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन व्वाज एस्टाब्लीश्ड इन ह्विच इयर से कहे नेशनल ह्यूमन राइट्स डे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन आमर कौ वर्ष स्थापना होती नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन जहाँ को आम ओडिया कह राष्ट्रीय मानवाधिकार कमिशन बा आयोग केबे स्थापना होती एटा आमर 1993 मसीह स्थापना होती 12 अक्टोबर 1993 1993 ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर आपको पचार NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी हेडक्वार्टर पचार कौन हम आम न्यू दिल्ली हो करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली में आपने हेडक्वार्टर अच्छी पचार हेडक्वार्टर मत पचार इंपोर्टेंस रोचे हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली में पचार हु इज द करेन्ट प्रेसीडेट अफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन वर्तमान चेयरपर्सन प्रेसीडेट किए अच्छा NHRC रो तो वर्तमान अच्छा किए ना से होती विजया भारती सयानी विजया भारती सयानी वर्तमान NHRC रो चीफ अच्छा मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओवर व्हिच रिवर रेंगाली डैम इज कंस्ट्रक्टेड से कहे कौ नदी उपरे रेंगाली डैम निर्माण करा जाएछि रेंगाली डैम आमर निर्माण होती कौ नदी उपरे आमर ब्राह्मणी नदी उपरे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ब्राह्मणी रिवर एटा आमर रेंगाली गोटे भिलेज रेंगाली भिलेज अच्छी यहाँ आमर अनुगुल जिलार अच्छी सेटी एटा आमर बना जाएछि तो आपको पचार रेंगाली डैम आमर लोकेटेड इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा रेंगाली डैमटा कौ जिलार अच्छे पचार बेले बेले पचार दे आप कौ जिलार अच्छी तो यहाँ ब्राह्म कौ नदी पर पचार तो ब्राह्मणी नदी पर कौ जिलार पचार अनुगुल जिलार हम कौन हम अनुगुल जिलार आप हम तो ऑप्शन नंबर आप हूँ करेक्ट आंसर ब्राह्मणी रिवर आ कौ जिला पचार अनुगुल जिला हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो देखो आप पचारि व्हेयर इज द बार्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान से कहे राजस्थान रो कौ जगार गोटे पक्षी अभयारण्य अच्छी पक्षी अभयारण्य राजस्थान रो व्हिच बार्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान राजस्थान रे कौ पक्षी अभयारण्य अच्छी भरतपुर ना नल सरोवर ना सलीम अली ना सुल्तानपुर तो आमर राजस्थान रो जो बार्ड सेंचुरी अच्छी सेटा होची भरतपुर बार्ड सेंचुरी भरतपुर बार्ड सेंचुरी ऑप्शन नंबर ए होची सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डे इज ऑब्जर्वड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे से कहे कौ दिन आम नेशनल टेक्नोलॉजी डे आम रूपे पालन करूँ कौ दिन को आम नेशनल टेक्नोलॉजी डे पालन करूँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे आम ऑब्जर्व करा जाए बा सेलिब्रेट करा जाए प्रतिवर्ष May 11 May 11 तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे रूपे पालन करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से कहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को किए इंट्रोड्यूस करते डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करते किए आमर करेक्ट आंसर जीव लॉर्ड डेलहाउजी लॉर्ड डेलहाउजी ऑप्शन नंबर बी होउछ करेक्ट आंसर लॉर्ड डेलहाउजी नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिड गिव द क्लारियन कॉल गो बैक टू बेदोस से कहे एम किए स्लोगान देते जे बेद को फेरी जाओ गो बैक टू बेदस
এটা গোটে ক্লারিয়ান কল মানে স্লোগান। এই স্লোগানটা কি দিয়েছিল? গো ব্যাক টু বেদস। এই স্লোগান দিয়েছিল কি না স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অপশন নম্বর ডি হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ব্যাটেলস ওয়াজ ফট ইন দ্য ইয়ার 1764। সে কৌছি 1764 আমার কেউ যুদ্ধ হয়েছিল। আপনার ব্যাটেলস উপরে আমার এক্সামের বহু আসিছি, আমার আরএচটি 2023 প্রিলিমসে আমার ব্যাটেল উপরে পচারিছি, তো আমি ব্যাটেল উপরে মধ্যে কিছু দেখি নেবা। 1764 আমার কেউ যুদ্ধ হয়েছিল, আমার হয়েছিল কোটা না ব্যাটেল অফ বক্সার। এটা কাহা কাহা মধ্যে হয়েছিল না ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড আপনার আমার বেঙ্গলর নবাব তারপরে অবধ এ তিনজন মিশিকি লড়িলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমান্ডর হেক্টর মুন্ড্র সহিত লড়িলে। তো ব্যাটেল অফ বক্সার আমার হয়েছিল 1764 মশায় হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, হু আপয়েন্টস দ্য আটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। সে কৌছি ইন্ডিয়ার আটর্নি জেনারেল কু কি নিযুক্তি করতে, ইন্ডিয়ার আটর্নি জেনারেল কু নিযুক্তি কি করতে, সে হচ্ছে আমার প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট বর্তমান কি অনেক প্রেসিডেন্ট আমার অনেক কি বর্তমান দ্রৌপদী মুর্মু। দ্রৌপদী মুর্মু বর্তমান আমার প্রেসিডেন্ট অনেক। ভাইস প্রেসিডেন্ট কি অনেক বর্তমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট অনেক বর্তমান কি আমার জগদীপ ধঙ্কর। মনে রাখবে এক্সাম পচারিবে হুজ কারেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কি অনেক উপরাষ্ট্রপতি আমার জগদীপ ধঙ্কর অনেক, আর প্রেসিডেন্ট অনেক দ্রৌপদী মুর্মু। আমার দ্রৌপদী মুর্মু বর্তমান প্রেসিডেন্ট অনেক, সে আমার প্রেসিডেন্ট হি আমার আটর্নি জেনারেল কু নিযুক্তি দিয়ে। তো পচারিব হুইজ দ্য কারেন্ট আটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পচারিব। তো বর্তমান আটর্নি জেনারেল ইন্ডিয়ার কি অনেক, বর্তমান আটর্নি জেনারেল ইন্ডিয়ার কি অনেক, সে হচ্ছে আর ভেঙ্কট রমণি। আর ভেঙ্কট রমণি মনে রাখবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে কাম দেব। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, হু এমং দ্য ফলোইং ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট সল্ট ওয়াটার লেক ইন ইন্ডিয়া। সে কৌছি ইন্ডিয়ার সবুঠার বড় লুণি হ্রদ কোটা, লুণি জলর হ্রদ সবু বড় কোটা, লুণি জলর হ্রদ হচ্ছে কোটা না সি হচ্ছে চিলিকা লেক। অপশন নম্বর সি হচ্ছে কারেক্ট আনসর, চিলিকা লেক অপশন নম্বর সি হয়ে যাব সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, সি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন হাইকোর্ট জজ ইন ইন্ডিয়া। সে কৌছি ইয়া ভিতরে কি আমার ইন্ডিয়ার প্রথম মহিলা হাইকোর্ট জজ, ভারতর প্রথম মহিলা বিচারপতি হাইকোর্টর কি, হাইকোর্টর প্রথম মহিলা বিচারপতি হচ্ছে কি না সে হচ্ছে আনা চণ্ডী। অপশন বি হব কারেক্ট আনসর, আনা চণ্ডী। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, দ্য চিপকো মুভমেন্ট অরিজিনেটেড ইন হুইচ স্টেট ইন ইন্ডিয়া। সে কৌছে চিপকো মুভমেন্ট কেউ স্টেট্রু আমার সৃষ্টি হয়েছে। চিপকো মুভমেন্ট আমার আরম্ভ হয়েছিল কেবে 1977 কোটি 1970 আপনার আরম্ভ হয়েছিল কেউ জায়গায় না আপনার 1970 দশকের 1973 সমথিং আমার আসিছিল। তো এটা আসিছিল কোটি উত্তরাখণ্ড। আর ফাউন্ডর কি, এর অরিজিনেট ফাউন্ডর হচ্ছে কি না সুন্দরলাল বহুগুণা, সুন্দরলাল বহুগুণা। মনে রাখবে চিপকো মুভমেন্ট আমার অরিজিনেট হয়েছে কেউ উত্তরাখণ্ড, আর ফাউন্ডর হচ্ছে কি না সুন্দরলাল বহুগুণা, সুন্দরলাল বহুগুণা। মনে রাখবে চিপকো মুভমেন্টর ফাউন্ডর কি পচারিব তাহলে সুন্দরলাল বহুগুণা হব মনে রাখবে। আর চিপকো মুভমেন্টর অবজেকটিভ কোণ, চিপকো মুভমেন্টর অবজেকটিভ কোণ সে পচারিব। তো চিপকো মুভমেন্টর অবজেকটিভ হচ্ছে যে কোণ না আমার যে কাঠ ব্যবসায়ী মানে বহুত গুড়ায় হিমালয় এরিয়ারে বহুত গুড়ায় কাঠকু কাটি বন সফা করে দেউথিলে, তো সেই কাঠ কটাকু রোকিবা পাই এই চিপকো মুভমেন্ট স্টার্ট করেছিলে আমার সুন্দরলাল বহুগুড়া। তো মনে রাখবে এক্সাম পাই ইম্পর্টেন্ট রহব, উত্তরাখণ্ডে আমার চিপকো মুভমেন্ট স্টার্ট হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চিন রয়েছে, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ন্যাশনাল পার্কস বিলং টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। সে কৌছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কেউ ন্যাশনাল পার্কটা অছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের কেউ ন্যাশনাল পার্ক অছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অছি আমার কেউটা সুন্দরবনস ন্যাশনাল পার্ক, সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক। বাকি জিম করবেট এইটা আপনার কেউটি অছি উত্তরাখণ্ডের অছি, উত্তরাখণ্ডের অছি। আউ আপনার মানস ন্যাশনাল পার্ক এইটা আপনার কেউটি অছি না আসামের অছি, আসামের অছি। আউ বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক এটা কেউ অছি না মধ্যপ্রদেশের অছি। মনে রাখি এক্সাম পাই ইম্পর্টেন্ট রহব, আপনার ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, আউ বায়োস্ফিয়ার রিজর্ভ এন্ড রামসার সাইট, এই চারিটা জিনিস পচারিব এক্সাম পাই ইম্পর্টেন্ট রহব। ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, বায়োস্ফিয়ার রিজর্ভ এন্ড আপনার পচারিব কোণ হব না আপনার রামসার সাইট, এই চারিটা সিমিলারলি অটে, এই চারিটা উপরে কোশ্চিন পচারিব সে ইম্পর্টেন্স অটে। তো রামসার সাইট উপরে নেক্সট ভিডিও আমি নিয়ে আসবা, আর ন্যাশনাল পার্ক মধ্যে ন্যাশনাল পার্ক উপরে মধ্যে আমি নিয়ে আসবা।
तो आप समस्त टॉपिक जीएस रे आप मानको फुल टू फुल स्कोर रखिया पे मु आप प्रोवाइड करबी क्लासेस जहाँ कि आप हेल्पफुल रहबो आप 30 रु 30 जमती रखबो ता हिसाब रे प्रिपरेशन करबी आ करंट अफेयर्स मते फुल आप फुल दम रे प्रिपरेशन करबी करंट अफेयर्स 30 आप मान टोटल जीएस आप कोन जनरल स्टडीज 30 करंट अफेयर्स आप 10 मार्क 40 मार्क को मु फुल प्रिपरेशन करबी जहाँ द्वारा आप भलो बेस्ट टू बेस्ट स्कोर आप मैंने करें आउ गोटे जिनस कही रखुची जीएस क्लास को मुझे सब बेस्ट रमर आर्ट्स पे सब बेस्ट रर्ट्स पे जीएस क्लासटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा कहीं से मेन्स एग्जाम काम दबो कहीं मेन्स एग्जाम आप एसएसटी अच्छी सोशल स्टडीज अच्छी सोशल स्टडीज यही हिस्ट्री ज्योग्राफी आप इकोनोमिक्स आप आसूँ से इंपोर्टेंस रमर सोशल स्टडीज से काम दबो से आर्ट्स पे जीएस जीएसटा बहुत हेल्पफुल रहिबो कहीं ये प्रिलिम्स रे क्लियर कर काम दबो ता सहित मेन्स एग्जाम काम दबो तो मन रखिए आमर आर्ट्स पे जीएस हूँ गोटे बहुत बड़ टॉपिक बा बहुत मुद आमर आर्ट्स टीचर पर गुरुत्वपूर्ण भूमिका हूँ जीएस तेरे करेक्ट आंसर हूँ सुंदरबन आमर वेस्ट बेंगल गोटे नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउस ऑफ पीपल इज नोन एज से कह हाउस ऑफ पीपल क्या कहा जाए पार्लियामेंट को ना लोकसभा को ना विधानसभा ना राज्यसभा तो देखो हाउस ऑफ पीपल क्या कहुए ना लोकसभा को कहुए हाउस ऑफ पीपल इज नोन एज लोकसभा लोकसभा कौन कहुए हाउस ऑफ पीपल बोली कहुए ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर लोकसभा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए क्वेश्चन आमर सीएचटी आसी प्रीवियस एग्जाम आसी आमर 2021 आरएचटी में ये क्वेश्चन अलरेडी पचारि सारी आरएचटी में पचारि सारी इंपोर्टेंस रोचे किसी क्वेश्चन से रिपीट करुच्छे कहीं आप 2019 जनरल ड्राइव है स्पेशल ड्राइव है 2020 2021 2022 2023 आरएचटी तो आप कंटिन्यू 5 वर्ष होगा आम हाईस्कल टीचर आम रिक्रुटमेंट बाहर से आपर इम्पोर्टेन्स रहा फिर भी जदि यही एलटीआर जब फिलअप हो बहुत गैप रमर नेक्स्ट आरएचटी आसापे नेक्स्ट आरएचटी जब आस रेगुलर हाईस्कल टीचर आसे तो आप 2026 आसब बाकी ये भितर आसपारे ना 2026 आसपा आरएचटी किंतु वर्तमान एलटीआर पर आप मुझे रखुच्छी एलटीआर रो नोटिफिकेशन आसी जाइए आप एलटीआर पर आपने वर्तमान प्रयास करूँ एवं स्ट्राइक उपरे फोकस करूँ कहीं सरकार बिना स्ट्राइक बिना ये जमा शुणुना तो 18 तारीख दिन आमर स्ट्राइक रही सब पिलाने जी हाईस्कल टीचर एलटीआर रो प्रोसेसिंग स्टार्ट करिया करने कहीं 30 अक्टोबर रे आरंभ होबार थिला किंतु सेटा को डिले कर दे सेटा को पोस्टपोन कर दे से आप 18 तारीख भितर जब आसुची भल नचे आप 18 तारीख निहत भुवनेश्वर से स्ट्राइक अधिक रु अधिक मात्र जोग दिंतु जहाद्वारा आप कथा शुणे और खूब शीघ्र अप्लाई स्टार्ट हो किए कहते आमर प्रीएम्बल हूँ भारतीय संविधान गोटे परिचय पत्र ये किए कही यहाँ कही एन ए पालखीवाला कही प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज संस्थापक किए ब्रह्म समाज संस्थापक हूँ किए सी होती राजा राममोहन रॉय राजा राममोहन रॉय हूँ ब्रह्म समाज संस्थापक मन रखिए आप सोशल रिफॉर्म्स उपरे बहुत क्वेश्चन पचारूँ आप ब्रह्म समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज ये सब गुड़ा देखने तो ब्रह्म समाज संस्थापक हूँ राजा राममोहन रॉय नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड से कहते बक्सा टाइगर रिजर्व कौटी अच्छी बक्सा टाइगर रिजर्व बक्सा नेशनल पार्क कहींपर बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कौटी अच्छी यहाँ अच्छी वेस्ट बेंगल अच्छी वेस्ट बेंगल अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रूलर ऑफ मैसूर डाइड इन 1799 ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार से कौन चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 मसीहार होता से मैसूर शासक किए जे कि मृत्युवरण करे ना टीपू सुल्तान ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर टीपू सुल्तान
नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर द 2011 सेंसस डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन से कहे 2011 जनगणना अनुजाई आमर को या भितर को केन्द्रशासित अंचल महिला जनसंख्या पुरुष मानक ठार अधिक माने सेक्स रेशियो हाईएस्ट बोली से पचारूँ को या भितर को यूनियन टेरिटोरी बा को केन्द्रशासित अंचल सेक्स रेशियो अधिक माने पुरुष अपेक्षा महिला बेसी तो आम करेक्ट आंसर कौन ना पुडुचेरी पूर्व यहाँ को पंडिचेरी बोली कहा जाता है पंडिचेरी ना चेंज करके पुडुचेरी रखा जाए पुडुचेरी 2011 जनगणना अनुजाई आमर फीमेल होते 1037 आ महिला 1037 तो पुरुष केते 1000 तो आपर पुरुष तुलन में महिला अधिक से कहे पुरुष तुलन में महिला अधिक कौटी ना पुडुचेरी मन रखिए आईटा को कहा जाए हाईएस्ट सेक्स रेशियो मान कौन ना जो भी पुरुष अपेक्षा स्त्री बा महिला मानक जनसंख्या अधिक कहुए हाईएस्ट सेक्स रेशियो बोली कहा जाए तो आमर हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौटी ना पुडुचेरी 1000 पुरुष 1037 महिला नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेन वाज मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड से कहे जे आमर केहम्मदन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आमर स्थापना होता के 1875 मसीह होता आउ यहाँ किए फाउंडर किए यार फाउंडर होती इंपोर्टेंस फाउंडर होती किए ना से होती आप मानकर सार सैयद अहमद खान होती आंग्लो आमर मोहम्मदन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रो फाउंडर मन रखे फाउंडर किए सार सैयद अहमद खान आउ के 1875 मसीह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुंबई एंड पुणे आर कनेक्टेड बाय से कहे मुंबई आ पुणे को कौ पासटा आम कनेक्ट कर मुंबई एंड पुणे को कनेक्ट कर किए सी हूँ भोरघाट ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर भोरघाट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रोट वंदे मातरम से कहे वंदे मातरम ये संगटा को किए लिखी वंदे मातरम संग को लिखी किए यहाँ लिखिंट आप बंकिम चंद्र चटार्जी तर बेंगली नोबेल आनंद मठ रु संगटा आसी मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड आमर इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छी ए क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम आम CHT अलरेडी आसी सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छी सुप्रीम कोर्ट हेड क्वार्टर कौटी अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छे आपर न्यू दिल्ली अच्छी ऑप्शन नंबर सी हे करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली तिलक मार्ग अच्छे तिलक मार्ग न्यू दिल्ली अच्छे हेड क्वार्टर आमर सुप्रीम कोर्ट कौट अच्छी न्यू दिल्ली अच्छी आउ यहाँ स्थापना के 1950 होता आउ आमर वर्तमान किए सुप्रीम कोर्ट रो आमर मुख्य विचारपति अच्छा एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो तो आमर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस अच्छा किए चीफ जस्टिस अच्छा आप वर्तमान किए अच्छा वर्तमान अच्छा आप संजीव खाना नुआ होती संजीव खाना वर्तमान आमर चीफ जस्टिस अच्छा आ पचार हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बा इंडिया से कह इंडिया रे प्रथम चीफ जस्टिस किए ताल कौन हम आमर एच जे कानिया होती फर्स्ट चीफ जस्टिस आमर एच जे कानिया मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो फर्स्ट चीफ जस्टिस होती एच जे कानिया वर्तमान अच्छा संजीव खन्ना आ के स्थापना होता 1950 रे आउ हेड क्वार्टर कौटी अच्छी ना दिल्ली अच्छी आमर देखो हेड क्वार्टर पचारिपे आप पचार फास्ट आम चीफ जस्टिस किए एच जे कानिया दुटा क्वेश्चन हो गला केबे स्थापना होता 1985 तीनटा क्वेश्चन है वर्तमान किए अच्छे चीफ जस्टिस वर्तमान संजीव खाना अच्छा एमती क्वेश्चन आम पचार तो चारिटा क्वेश्चन पचारिपे सबुगुड़ा मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज से कहे आर्य समाज संस्थापक किए आर्य समाज संस्थापक किए सी होती स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय आउ आर्य समाज होती किए ना स्वामी दयानंद सरस्वती आउ एटा को ईयर रे आमर फाउंडेशन होता एस्टाब्लीश होता केम 1875 होता
आउ कौ जगार होता एटा मुंबई रे होता मुंबई रे पचार कौ जगार मुंबई रे 1875 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अपर चैंबर और द सेकेंड चैंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कॉल्ड से कहि आम भारत जो पार्लियामेंट रही संसद रही तार अपर चैंबर बा सेकेंड चैंबर को कौन कहा जाए आमर अपर चैंबर सेकेंड चैंबर को कौन कहा जाए आमर लोअर चैंबर को कहा जाए कौन लोकसभा अपर चैंबर को कहा जाए राज्यसभा तो आमर ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर राज्यसभा राज्यसभा अन्य ना हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मन रखिए आप पचार व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राज्यसभा राज्यसभा अन्य नाम बा राज्यसभा इज अल्सो नोन एज राज्यसभा इज अल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स आउ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हूँ आमर पार्लियामेंटर अपर चैंबर बा सेकेंड चैंबर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942 से कहि एमान किए यही पुस्तक लिखिं द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942 यहाँ लिखिं किए ना सुभाष चंद्र बोस किए लिखिंट सुभाष चंद्र बोस लिखिं ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो एथरे आम टोटल 50 क्वेश्चन देखा आम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रहा जीएस हिं रमर कौन रहा नेशनल पार्क आम देखा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देखा जहाँकि 80 क्वेश्चन आम कवर करवा जहाँकि आम एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑफिशियली द फास्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज फ्लैग्ड ऑफ से कहे ऑफिशियली आप मानकर प्रथम पैसेंजर ट्रेन इंडिया रे केबे आप मानकर आरंभ होता से पचार आरंभ होता आप आरंभ होता के ऑफिशियली द फास्ट आप कौन ऑफिशियली द फास्ट ट्रेन आपला आप पचार तो देखु ये आप करेक्ट आंसर कौन हम देखु ऑफिशियली फास्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन केबे स्टार्ट होता आमर 16 April 1853 16 April 1853 प्रथम आमर पैसेंजर ट्रेन इंडिया रे चली कौ कौ स्टेशन को चली ना आमर बॉम्बे पूर्व तो बॉम्बे थी बर्तमान मुंबई है बॉम्बे बॉम्बे कौ जगह ना बोरी बंदर बॉम्बे बोरी बंदर गोटे स्टेशन थिला बोरी बंदर टू थाने थाने तो बर्तमान सेम अच्छे चेंज है किसी तो बॉम्बे थाने टोटल 34 किलोमीटर प्रथम पैसेंजर ट्रेन चली आमर 16 April 1853 चली से किए आमर किए स्टार्ट करा लॉर्ड डेलहाउजी लॉर्ड डेलहाउजी को शासन समय आमर होता लॉर्ड डेलहाउजी जिते थे गवर्नर जनरल से समय आमर रेलवे आमर स्टार्ट मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया से कहि इंडिया रे किए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करछि हमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमर इंट्रोड्यूस करछि कि इंडिया रे से होचंती लॉर्ड रिपन को कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम रो फादर होचंती लॉर्ड रिपन मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी होचि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिल्ट द बारबाटी फोर्ट से कहि बारबाटी दुर्ग को किए निर्माण करते बारबाटी दुर्ग निर्माण करते किए ना से होती चोड़ गंगादेव ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर चोड़ गंगादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहि भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे मानो भारतीय संविधान रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थे किए ना से होती डॉक्टर बी आर आंबेडकर किए बी आर आंबेडकर ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फाउंडर ऑफ दीन ई इलाही गोटे रिलीजन एटा किए तार संस्थापक किए फाउंडर किए दीन ई इलाही गोटे रिलीजन एटा को क्रिएट करते किए से होती अकबर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कंपोज हर्षचरित। हर्षचरित्र लेखक किए? हर्षचरित्र लेखक किए पचार। हर्षचरित्र लेखक होती किए ना सी होती बाणभट्ट। बाणभट्ट लिखी हर्षचरित। आ पचार बुद्ध चरित किए लिखिं? बुद्ध चरित्र लेखक किए सी होती अश्वघोष। अश्वघोष मन रखे। बुद्ध चरित्र अथर होती किए अश्वघोष। आ हर्षचरित किए लिखिं? बाणभट्ट लिखिं। कन्फ्यूज जमार हे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर डज रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। से कौन कौ वायुमंडल कौ स्तर में आमर रेडियो वेव रिफ्लेक्ट हुए? रेडियो वेव आम कौ स्तर अच्छी? आम आयनोस्फीयर अच्छी। आयनोस्फीयर ऑप्शन नंबर सी हे करेक्ट आंसर आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा। से कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिशार कौ सहर देखिए जा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ आम ओडिया कर्कट क्रांति बोली कहते कर्कट क्रांति मकर क्रांति आम शुंट तो कर्कट क्रांति ओडिशार कौ सहर दे जा पचार। तो कर्कट क्रांति आम आठटा राज्य देखिए जा तो से आपशा दे जाए तो आम नन अफ द एबव हो करेक्ट आंसर। कहीं ओडिशा दे जाते से कही था कौ सहर दे जाशा दे जाए मिजोराम जा त्रिपुरा जा बेंगल जासबू देखिए आपकी कितु ओडिशा देखिए जाए तो अप्सन नंबर डी हो नन अफ द एबव इज करेक्ट गुजरात देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। आज लास्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन रही व्हेयर वाज द कैपिटल ऑफ ओडिशा सिचुएटेड। से कौन ड्यूरिंग मुगल रूल जिते मुगल मैंने शासन करुले से समय ओडिशार राजधानी ना कौन थी? मुगल शासन समय ओडिशार राजधानी थी कौन पचार? तो मुगल शासन समय ओडिशार राजधानी थी कटक जहाँ को आप मैं 1948 मसीह आमर चेंज करके भुवनेश्वर को आना जाए। तो आम पूर्व कटक थिला कैपिटल ओडिशार कैपिटल कटक थिला को समय ना मुगल शासन समय तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर कटक। तो फ्रेंड्स ये आपने टोटल 50 क्वेश्चन जहाँ आम डिस्कसन कले आपने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिकारू अधिक मात्रा रे कृपा सांगसाथ मानको निहाती भावे शेयर करेंगे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल निहाती सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडियो नोटिफिकेशन पाइपारे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट भिडियो आप रोक राति की 9टा बेले मुँ 9टा रु 10टा 9टा नुह 10टा बेले आपको प्रोभाइड करी 9:30 रु 10टा भितर आपको नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पर आम डिस्कशन करवा जहाँकि 80 क्वेश्चन रोज एग्जाम पे इंपोर्टेंट रो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।